और आपको भी मेरी मेहनत का मान रखना होगा। बिना किसी संकोच के अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। आप तो पति हो, आपको तो मेरे लिए जीवन भर बहुत कुछ करना है, तो मैं अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो। बेटा, रमा के इस प्रयास का सम्मान करो, बल्कि ये सोचो कि ये काम कितने बड़े ख्वाब को पूरा करने जा रहा है। ये जो कर रही है उसे करने दो, और तुम्हें जो करना है वो तुम करो। जिग्नेश काका से जूता चप्पल से ना सीख लूंगी, फिर अपने नए दुकान का उद्घाटन करूंगी। दीपक, चल दुकान लगाने की तैयारी करते हैं। बाबा, मैं भी पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अब रविवार को कौन सी पढ़ाई होने लगी? कॉलेज के बाहर गुरुजी पढ़ाने वाले हैं। संस्कृत पढ़ना इसे, तो जो जो हम कहेंगे वो सब करना होगा इसे अगले 7 दिन तक। चल गुरुंजर, काम के लिए देरी हो रही है। लेकिन ये निशान यहाँ पर बनाया किसने? मेरे समझ से तो ये निशान जिसने भी बनाया है वो इसलिए बनाया ताकि आप लोग इसमें से पानी ना पी सके। कहीं ऐसा तो नहीं भीम को कल पानी नहीं पीने दिया, इसीलिए वही ये करके चला गया? मुझे नहीं लगता है, वो मेरे सामने ही कॉलेज के लिए निकला था और समय से कॉलेज पहुंच भी गया था। लेकिन आप ट्राम से गए थे और वो पैदल गया था, क्या पता वापस आके ये कांड करके चला गया हो। नहीं, ये काम मैंने नहीं किया है। फिर किसने किया? आज तक तो कभी ऐसी चीजें यहाँ पर हुई नहीं। कल तुम ही पैसे थे ना, और पानी पिलाने का आग्रह भी कर रहे थे, तो तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है? नहीं, मुझे सच में पता नहीं किसने किया। अगर पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर ठीक है, पहले पता करो कि ये निशान किसने लगाया है, फिर बताते हैं कि आगे क्या करना है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दीजिए ना। कहीं ये काम रमा का तो नहीं? चाल में तो सब कह रहे थे कि रमा मिट्टी फेंकने का काम कर रही थी, और बीच में अपनी सहेली से बहस करके वहां से भाग गई। क्यों भाग गई? शायद वो रमा ही थी, और अगर वो रमा थी तो उसने गलत किया है। देख, दलिया बनाने के लिए सबसे पहले दलिया का ढांचा बनाना जरूरी है। अगर ढांचा अच्छे से बन गया तो समझो दलिया बनाना एकदम आसान हो गया। अब देख, मुझसे नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोशिश तो की ना, आज पहला दिन है, धीरे धीरे बनाना सीख जाओगी। दलिया अम्मा, काका जूते चप्पल कैसे सिलता है, मैं वो सीखने जा रही। अगर वो ही नहीं सीख पाई तो दुकान कैसे डालूंगी? काका, मुझे भी सिखाइए ना कि ये जूते चप्पल कैसे सिलते हैं। चली जा यहाँ से, तेरा पति और तेरे ससुर दिन रात मुझे ताना मारते रहते हैं, और मैं तुझे चप्पल जूते सिलना सिखाऊं? चली जा यहाँ से। अरे सिखा ना। अरे ओ जिग्नेश भाऊ,
सिखा दो ना बच्ची को जूते सिलना, अपने चौल की बच्ची है, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? अरे भाऊ सिखा दो ना। अरे भाऊ नहीं सिखा रहा, जाके कहीं और से सीख लेंगे। सिखा देंगे तो आपके सहयोग से मैं दो पैसे कमाने लगूंगी और एक रिश्ते से आप मेरे गुरु बन जाएंगे, फिर आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। उठ, उठ यहाँ से। एक बार बोला ना मैं कि मैं नहीं सिखाऊंगा, तो समझ में नहीं आ रहा तुझे? अरे मैं नहीं बनना मुझे गुरु किसी का। मैं खुद के बेटे को सिखाना चाहा तो घर छोड़ के भाग गया, उसको हाथ पकड़ पकड़ के लाता था यहाँ पे मैं कि काम सीख ले, लेकिन नहीं, उसे तो ये सब चाहिए ही नहीं था। उसे तो तेरे पति का स्कूल जाना अच्छा लगता था, और एक दिन ये कहकर चला गया कि मैं और मेरा दुकान, मेरा काम सब घटिया है। तो ठीक है, मैं इस घटिया काम के साथ खुश हूँ, नहीं चाहिए मुझे, चली जाए यहाँ से। आई जिग्नेश भाऊ से कहिए ना, वो रमा को जूते चप्पल सिलना सिखा दे, तभी तो रमा कमाएगी। मैं क्यों कुछ कहूँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ, कुछ कहूंगी तो कहेंगे कि जानबूझकर काम करवाना चाहती हूँ रमा से। देखने तो सबको तमाशा, रमा को भी तो पता चले दाल आटे के भाव। चलो चली जा से, चल भाग। काका अब कोई इसे नहीं सिखाना तो मत सिखाइए, लेकिन इस तरह से डांटिए मत। रमा एक ग्लास पानी दोगी? लीजिए पानी पीजिए। रमा एक बात सही सही बताओ। बोलिए। जिसने मुझे मटके से पानी पिलाया वो घूंघट वाली औरत तुम थी? क्या वो औरत तुम थी रमा? और उस मटके पर निशान भी तुमने ही बनाया था ना? वो निशान तुमने ही बनाया था ना रमा? रमा मैं कुछ पूछ रहा हूं। रमा रुको, रमा जवाब दो, क्योंकि तुम्हारा जवाब मेरे लिए मायने रखता है। क्या क्या हुआ भीम? मैं ही थी, और मैंने उस पर निशान लगाया क्योंकि मुझ में इतनी ईमानदारी थी कि किसी को धोखे में ना रखूं। उस पर निशान छोड़ा क्योंकि हमारे छूने से उनका मटका और पानी अपवित्र हो जाता है, इसलिए वो चाहे तो फेंक दे। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, कुछ समझ में तो आए? लेकिन तुमने जो किया वो गलत किया रमा, चलो उनसे माफी मांग लो। और उन्होंने जो आपके साथ किया वो संस्कृत पढ़ाने के बदले इतना सारा काम कौन करवाता है? मेरा पति प्यासा कॉलेज जा रहा है और मैं देखती रहूं, ये नहीं हो सकता। और मैं चाहती तो उस पर बिना निशान लगाए आ जाती। फिर मुझे आपका ख्याल आया और लगा कि वो पाप होगा। कुल मिलाकर मैंने कोई गलती नहीं की, और वो आपको पानी पिला देते तो उनका क्या चला जाता? देखो रमा, उनका क्या जाता क्या नहीं जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी उनका नुकसान करने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता है। तुमने गलत किया है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं नहीं मांगूंगी माफी। थोड़ा हमें भी बताओगे क्या बोल रहे हो तुम दोनों? हाँ हाँ, और कौन संस्कृत शिक्षक, कौन कब प्यासा था, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मांगोगी ना माफी? ठीक है, तुम्हारे बदले मैं जाकर माफी मांगता हूँ, क्योंकि उनके साथ गलत तो हुआ है रमा।
रुकिए, मैं जाकर माफी मांगती हूँ। रमा, रमा, भीम, क्या हुआ? कहाँ गए ये दोनों? पता नहीं अम्मा, दोनों अंदर लड़ रहे थे, फिर चले गए। गुरुजी, गुरुजी, क्या है? मैंने ही आपका मटका उठाया था, जो सजा देनी है मुझे दो। कौन हो तुम? भीमराव की पत्नी। पानी यहाँ पीना है तो संस्कृत पढ़ने की जिद छोड़नी होगी। नहीं गुरुजी, मैं प्यासा ही कॉलेज चला जाऊंगा। पति को प्यासा देखकर मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए आपके मटके को छुआ। इस छोटी जात वाली ने आपके मटके को छुआ है, इसलिए इसको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये एक औरत है, इसलिए इसे सजा मेरी पत्नी एक औरत ही देगी। ऊंची जात वालों के मटके को छूने की सजा ये होगी कि हम गिनकर इस छड़ी से तुम्हें 25 छड़ियां लगाएंगे, ताकि जिन हाथों से तुमने हमारे मटके को छुआ है ना, उन हाथों में छाले पड़ जाए। हाथ आगे करो। अरे देख क्या रही है, हाथ आगे कर। हाथ आगे करो। गुरुजी, रमा की गलती हो गई है तो वो माफी मांग लेगी, लेकिन आप उसे ऐसी सजा नहीं दे सकते। भीमराव छड़ी छोड़ो। नहीं गुरुजी, आप रमा को ये सजा नहीं दे सकते। शास्त्री जी, कैसे शिक्षक हैं आप? एक छोटी जात का लड़का आपकी बात ही नहीं मान रहा। इस अस्पृश्य लड़के की नजरों में गुरु का कोई मान ही नहीं है। जिनकी पीठ कभी हमारे सामने सीधी नहीं होती थी, आज वो सीना तानकर हमें जवाब देने लगे। शास्त्री जी, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं आप ये सब? भीमराव, सोच लो, अगर संस्कृत पढ़ना है तो छड़ी छोड़ दो। नहीं गुरुजी, पत्नी के आगे चुनाव का कोई विकल्प नहीं होता। आप मुझे संस्कृत पढ़ाइए या मत पढ़ाइए, मैं पढ़ू या ना पढ़ू, लेकिन रमा की सुरक्षा ये मेरा दायित्व है। फिर ठीक है, छड़ी छोड़ दो और निकलो यहां से। तुम शर्त हार गए हो तो उसका दोष मुझे मत देना। ठीक है गुरुजी। रमा, घर चलते हैं। रमा चलो यहां से। नहीं, अभी तक एक बस अपने पति ने धर्म निभाया, अब एक पत्नी भी अपना धर्म निभाएगी। गुरुजी, मेरे पति ने भले ही अपनी शर्त हार गई हो, लेकिन मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ाते। ये क्या धरना लगा रखा है, एक निकल जाता है और दूसरा आ जाता है। रमा, चलो यहां से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बिना खाए पिए यही खड़ी रहूंगी। मेरी वजह से आप शर्त हार गए,
और मैं आपको किसी भी जगह किसी भी रूप में आपको हारते हुए नहीं देख सकती हूँ। दाद देनी होगी इसकी हिम्मत की। छोटी जाति के होकर भी खुद से हार नहीं मान रहे लोग। अरे डूब मरो। ऊंची जाति के होकर भी कितनी आसानी से खुद की हार देख रहे हो ना। हम हार कैसे गए हमें ये समझ नहीं आया। शास्त्री जी गुरु हैं। अगर सीधे सीधे इसे संस्कृत पढ़ाने से मना कर देंगे तो गुरु पद का अपमान होगा। इसीलिए शर्त में उलझा कर इस भीमराव को संस्कृत जैसी शुद्ध भाषा पढ़ने से वंचित रखा। लेकिन आप सब में कोई गुरु है क्या? है क्या कोई गुरु जो इतनी मर्यादा में खड़े हैं? अरे लेकिन हम करें क्या? उठाओ डंडा मारो, इतना मारो, इतना मारो, दोनों पति पत्नी बेहोश हो जाएं। जिन लोगों की परछाई भी हम स्वयं तक आने नहीं देते उन्हें मोहल्ले में खड़ा रखा है आप लोगों ने। आसपास के इलाके में सबसे बड़ा धार्मिक मोहल्ला है ये। पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान सबसे ज्यादा इसी मोहल्ले में होते हैं। अरे लोग तो यहां तक बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा है इस मोहल्ले पर। लेकिन माफ कीजिएगा, आप लोग इसे अशुद्ध बना रहे हैं। कल को ईश्वर आपसे रुष्ट होगा ना तो इसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे। नरोत्तम सही कह रहा है, आप लोग भगाइए इन दोनों को यहां से। ठीक है, मैं रमा को लेकर यहां से जा रहा हूं, फिर कभी आपके इस मोहल्ले में नहीं आएंगे। चलो रमा। नहीं नहीं, इनकी बातों में मत आइएगा, बहुत ढीठ है ये। ऊंची जात के मोहल्ले में घुसने का दंड इसे अवश्य दीजिएगा, तब इसका मनोबल टूटेगा, नहीं तो इसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। आज मोहल्ले में घुसा है, कल आपके घर में घुसेगा और परसों आपकी जिंदगी में। सही कह रहे हो, इसे सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सिखाना पड़ेगा। चलो डंडा लो। क्या कर रहे हैं आप? अस्पताल ले जाना होगा। गुरुजी मैं अभी जाकर टांगा लेकर आता हूँ, आप इन्हें संभालिए। तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस शुभ कार्य में मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। शास्त्री जी आप चिंता मत करो, मैं टांगा लेकर आता हूँ। निकल जाओ तुम लोग यहाँ से, बच्चे का होना शुभ होता है और तुम्हारा यहाँ होना अशुभ है। निकलो यहाँ से। चलो रमा यहाँ से, किसी के शुभ कार्य में हमें बाधा नहीं बनना है। बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरुजी अब मैं भी चलता हूं, कोई भी आवश्यकता हो जैसी भी तबीयत हो मुझे बताइएगा। शास्त्री जी टांगा नहीं मिला। टांगा नहीं मिला? अरे कोई कुछ करो, बचाओ मेरी बीवी को, कुछ करो। खींचेंगे तो ले जाने में आसानी होगी। लीजिए। चलो गुरुजी मैंने टांगा लाया, इन्हें जल्दी से इन टांगे में रख दीजिए। चलिए। पर घोड़ा कहाँ है? ये दोनों है ना, बन जाएंगे घोड़ा। वैसे भी जिस जात के हैं इनका काम है हमारी सेवा करना।